बट एंड टाइम पे जो क्विक रिविजन और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पढ़ने थे उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था. मतलब खुद से ढूंढने लग जाए तो फिर टाइम लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले वगैरह सब निकालने में. तो भाई वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा वन शॉट्स. और बोर्ड्स की टेस्ट सीरीज तो उससे तो पूरा आइडिया लग गया कि सो इशिका, सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आपने तो देखो मचा दिया। तो बच्चों, हम इशिका से बात स्टार्ट करें, उससे पहले ना मैं इशिका का, अभी इशिका का मेरे पास मैसेज आया था, तो मैंने इशिका का जैसे ही वो क्लिक किया ना कि फोटो देखती हूँ कौन सी बच्ची है, तो इसका नीचे वो व्हाट्सएप पे क्या लिखते हैं, स्टेटस, स्टेटस होता है क्या होता है वो जो नीचे लिखा हुआ आता है, तो वो मैं पढ़ के बताती हूँ। ये इशिका को भी नहीं पता कि आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन लाइक दिस। तो इशिका ने लिख रखा है, डोंट टेल गॉड हाउ बिग योर स्टॉर्म इज, टेल योर स्टॉर्म हाउ बिग गॉड इज। ओ माई गॉड, सो दिस वॉज लाइक सो 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 गुड। मतलब ये जो आपने लिख रखा है ना, उसी से ही आई थिंक वो जो पॉजिटिविटी है वो कितनी झलक रही है कि भैया जितना मर्जी तूफान आ जाए, है ना, भगवान को ये मत बताओ कि तूफान कितना बड़ा है, अपने तूफान को ये बताओ कि भगवान कितने बड़े हैं। भाई साहब, मतलब मैं फैन हो गई आपकी इस लाइन से। अब ये सेम लाइन मैं थोड़े दिन के लिए, है ना, लिख कर अपने ही रूम में जरूर चिपकाने वाली हूँ, बिकॉज यार दिस इज रियली ग्रेट। सो इशिका बताइए, आप कहाँ से हैं एंड क्या परसेंटाइल आई, ओवर टू यू, थोड़ी सी देर बातें करते हैं हम सबके साथ। मैं भंडारा से हूँ, जो नागपुर से 60 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट है भंडारा, वहां से हूँ मैं. और मुझे अभी 99.83% आई है जेईई मेंस की फर्स्ट अटेम्प्ट में. अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो इशिका, आपने वोरा क्लासेस से पढ़ाई करी है ना, आपसे बात हो रही थी तो यू टोल्ड मी कि मैम मैंने सारे वन शॉट्स देखे हैं बुलंद के, इवन एनवी सर के आपने बहुत सारे वन शॉट्स देखे हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि कैसा, क्या हेल्प मिली, वर दे यूजफुल, पेपर में कुछ हेल्प मिली उनसे? हाँ, बहुत हेल्प मिली. मतलब साल भर तो पढ़ा ही था मैंने, बट एंड टाइम पे जो क्विक रिवीजन और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो पढ़ने थे उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था. मतलब खुद से ढूंढने लग जाए तो फिर टाइम लग जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और फॉर्मूले वगैरह सब निकालने में. तो भाई वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा वन शॉट्स. और बोर्ड्स की टेस्ट सीरीज तो उससे तो पूरा आइडिया लग गया कि वोट्स पेपर दिया ऐसा था ऐसा आप, होने. वोट्स हाँ, वोट्स आपने दिए थे, कितने वोट्स दिए थे? फाइव मुझे याद नहीं है, बट 6 वगैरह दिए होंगे, 5 6. 6 दिए थे. अच्छा, तो वोट्स में कितने नंबर आते थे, मतलब जनरली जब भी टेस्ट देते थे, मॉक टेस्ट दिए, तो कितने कितने नंबर आते थे? मतलब 200 से 240 के बीच में रेंज करते थे. ओके, और अभी कितने बने? अभी 236 बने. तो जब पेपर देने गए तो ऐसा लगा कि भाई ये सवाल तो, अरे ये तो मैंने कर रखा था, ये तो वोट्स में था, ये निशान सर ने पहले कभी कराया था, ऐसी फील आई पेपर के दौरान? हाँ, याद आ रहे थे क्वेश्चन. तो एक मतलब, अच्छा जैसे पेपर कर रहे थे तो पेपर में वो क्लिक किया कि अरे भाई सर कहते थे कि ये कौन सा, एक आधा शॉर्टकट होता है ना सर का, वो कौन सी एक गेम वाले शॉर्टकट्स बड़े सारे होते हैं, एनवी स्टाइल, तो ये सारी चीजें चमकी थी पेपर के दौरान या नहीं चमका था? ये चमकी थी. मैथ्स का तो चमकी अच्छा, मैथ्स का मेरा बेस्ट गया था, मैथ्स में कितनी इसलिए परसेंटाइल है? 99.8% आई थिंक मैथ्स में है. कितने नंबर है मैथ्स में? 86 आ रहे थे करेक्शन के पहले तो. भाई साहब, मतलब वेरी वेरी गुड स्कोर. मतलब इस बार मैथ्स का पेपर, जिस हिसाब से मेरी जितने भी बच्चों से बात हुई है, चाहे वो किसी भी शिफ्ट का हो, तो पेपर वाज मैथ्स का थोड़ा सा ऑन द लेंथियर साइड, और थोड़ा सा वो जो टफ वाला तड़का था, आई थिंक मैथ्स के पेपर में हर शिफ्ट में था, और उसमें अगर आप 99.8% मैथ्स में लेकर आ रहे हो तो यार बहुत ही बढ़िया, ओवरऑल भी बहुत ही बढ़िया परसेंटाइल है. और बताओ, वो जो आपने वन शॉट्स देखे थे, मतलब क्या क्या पॉजिटिव लगा उन वन शॉट्स के बारे में, जितने भी आपने यूट्यूब पे, मतलब आपने यूट्यूब से काफी सारा कंटेंट देखा था, राइट? हाँ, एग्जाम से पहले क्योंकि हमारी क्लासेस बंद हो गई थी तो ओके, यूट्यूब वाज द ओनली सोर्स रिवीजन के लिए. अच्छा यूटिलाइज किया उसके लिए आपका चैनल. तो अच्छा. ऑर्गेनिक में मुझे बहुत हेल्प मिली. मैंने फिजिक्स का तो मतलब नहीं हो पाया मुझसे वन शॉट्स हो गए, वो मैं शॉर्ट नोट्स बना लिए थे फिजिक्स के, तो वो शॉर्ट अच्छा नोट्स ही हो गए फॉर्मूले ठीक है, बेस्ड. मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी हेल्प हुई, ओके. और फिजिक्स में इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस का आपको जो वो लेक्चर था वो तो उसने तो मतलब दो सॉल्ट तीन क्वेश्चन एनालिसिस में तो बनाए. मुझे याद है, जब मैं लाइव पढ़ा रही थी तो बच्चे ना, एक आधे बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे, ऐसे कौन सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाता है ना, कर करके हम देख रहे थे ना, चलो इसको इसमें पुड़िया बना लो, इसमें डालना, मुझे याद है हम ऐसे कर रहे थे. जो भी आपने निमोनिक्स बनाए थे
वो निमोनिक्स उसका काम भी आए, कोई याद है निमोनिक्स? याद है अभी कोई भी आपको एक ऐसे वो बहुत, हाँ वो कौवा कब 5 बार हौज में सिर डाल के हाँ, रोया, ऐसा कौवा कुछ 5 बार हौज में सिर डालता है। हाँ तो वही था, मुझे याद है जब हम लाइव ले रहे थे तो बच्चे बोल रहे थे अरे मैम ये क्या फनी सेशन चल रहा है, बट मेरी लिटरली मतलब बच्चों से जब बात हुई ना तो ये बोल रहे मैम सॉल्ट एनालिसिस के सेशन से ना डायरेक्ट सवाल हमारे पेपर में आए थे, और वही निमोनिक ही हमारे दिमाग में चल रही थी कि हमने फटाफट आंसर मार्क कर दिया, तो ये फीलिंग हुई थी आपको? वो चैप्टर बेस्ट मेरा प्रिपेयर हो गया आपकी वजह से। तो वो तो अच्छी बात है ना, वो तो मेंस कम एडवांस दोनों के लिए प्रिपेयर हो गया, अब दोबारा एडवांस के लिए उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सो दैट इज गुड। चलिए सो बहुत ही बढ़िया इशिका, आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आया है ना। चलो इस कॉन्वर्सेशन को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बट आप मुझे दो ऐसे पॉइंट्स बताओ जो आप अपने फेलो जो आपके दोस्त हैं उनको कहना चाहोगे कि यार ये तो तुमने अपनी प्रिपरेशन के लिए करना ही करना, अभी दिस वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, एंड वी रियली वॉन्ट हमारे सारे बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट फोड़ दें, और एडवांस तो देखो अपना टारगेट है ही है, वो तो करना ही है, बट कोई भी दो चीजें जो आप अपनी जर्नी से सीखे हो जो आप बच्चों को बताना चाहोगे यार ये जरूर करके जाना, दिस इज वेरी हेल्पफुल। पहला पॉइंट तो मैं बोलूंगी, एक मिनट वो कॉल आ रहे थे, सॉरी। आज तो भाई बनते हैं कॉल आने मैंने है ना। ये सीख लिया था, मतलब जब मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया उसके पहले मैंने ये सीख लिया था कि अब मतलब मैं हमेशा ये बोलती थी खुद को, खराब मार्क्स आ गए तो भी, कि अब डिमोटिवेशन मुझे कितना भी ढूंढ ले वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा, अरे ये वेरी बोलती थी नाइस, मैं हमेशा, खराब भी मार्क्स आ गए तो। वो एक बहुत पॉजिटिव इसके लिए वो एक था कि कितना भी खराब आए डिमोटिवेट मत हो, और वो भी जाते हो तो जल्दी छोड़ दो उसको, भूल जाओ, मतलब वो ये आया एक दुख पॉइंट। और आया लेट इट गो है ना, बट हम अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इट इज लाइक ट्रैक तो हमें फॉलो करना ही करना है ना। अच्छा आपने जब टेस्ट सेकेंड दिए पॉइंट, थे, जब आपने टेस्ट दिए थे, वोट्स दिए थे, तो वोट्स के वीडियो सॉल्यूशन भी देखते थे? हाँ मतलब जो क्वेश्चंस नहीं होते थे मैं उसी के देखती थी क्योंकि टाइम तब कम था। हाँ तो वो हेल्प मिलती थी कि भाई लेट्स से कोई क्वेश्चन है जो फर्स्ट टाइम में मुझसे नहीं बना, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन देख के मुझे एक लॉन्ग टर्म क्लैरिटी आ जाती है, हाँ यार अगर ऐसा सवाल आता है तो इसको इस तरीके से हैंडल करना है, ये शॉर्टकट लगाना है, तो वो हेल्पफुल लगा? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, चलो नहीं ये और अच्छी बात है। जब वीडियो के बाद या पहले भी आप और एनवी सर और फिजिक्स के सर वो भी बताते थे कि नहीं इसमें और इम्प्रूव कर सकते हो, अच्छा हाँ कॉन्सेप्ट्स जो थोड़ा, मतलब वोट्स के थोड़ा इंट्रो में हम बताते थे, कि ये पेपर इस लेवल का था, इतने तो करने चाहिए थे, तो उससे काफी आइडिया मिल जाता था कि और कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, रिविजन करना है। ग्रेट ग्रेट, नहीं ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज हम लोगों ने भी जब वोट्स लॉन्च किया था, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है नो डाउट बहुत अच्छा है, बट इट्स लाइक हमें हमेशा ये होता था कि बच्चा अगर एक भी मॉक टेस्ट दे रहा है ना तो वो मॉक टेस्ट उसके लिए फ्रूटफुल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लाइक बच्चा 300 नंबर का मॉक टेस्ट देके अगर सॉल्व आ रहा है तो वो दूसरा दे ही ना इस डीमोटिवेशन के चक्कर में कि यार मैं क्या करूंगा, इट इज बेटर कि तुम एक दो बट उस एक से इतना कुछ सीखो कि जब दूसरा दो तो वो 100 नहीं वो 120 नंबर पहुंचने चाहिए। तो आई थिंक ये वीडियो सॉल्यूशंस हमने मतलब यही हमारा पर्पस था कि यार हर मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन बच्चे को देंगे, सो दैट एक बार भी उसको लगता है ना झटका लगता है यार मेरे से नहीं हुआ, तो कम से कम हम खड़े हों उसके साथ कि नहीं भाई तू कर लेगा, तू अगला भी अच्छा करेगा, बस करते चलो। अच्छा चलो ये तो एक आपने बताया कि कुछ भी हो जाए डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और अगर हो भी जाते हो डिमोटिवेट हो भी जाते हो तो वापस से ट्रैक पे आ जाओ, कोई दूसरी चीज जो आप सारे बच्चों को कहोगे? ऐसा तो कुछ क्लिक नहीं हो रहा, मतलब वही है, कंसिस्टेंट रहो, मतलब जो बाकी बोलते बड़े बोलते वो मानो। हाँ जो बड़े बोलते हैं वो मानो है ना, सही है। वन शॉट लास्ट में जरूर देख लेना क्योंकि वन शॉट से काफी फायदा हो जाता है, ये मैंने ऐड करी, ये मैंने लिख लिया कि आप ही ऐड करो, मैं मान के चल रही हूँ। चलो बहुत बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन इशिका वंस अगेन, एंड फिंगर्स क्रॉस जब एडवांस का पेपर दो तो एकदम एडवांस में भी मचा देना जैसे मेंस में मचाया, और बस अब अपने हम ड्रीम IIT है ना ड्रीम ब्रांच जरूर से लेंगे, सही है ना? बिल्कुल चलो सो वंस अगेन इशिका कॉन्ग्रेचुलेशन, विल बी मीटिंग यू वेरी सून।